यार अगर आप जावा का बेसिक्स रिवीजन करना चाहते हो तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवीजन योर जावा। ठीक है, आप क्या कर लो, बेसिक्स क्वेज अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, सम ऑफ क्वेज अटेम्प्ट कर लोगे तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो भी आपने पढ़ाया बेसिक्स का वो आपका सही है या नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक्स लेवल का क्विज था। एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू W3Schools.com, तो इसका मैंने क्विज सेक्शन में जाके देखा तो जावा का क्विज था। ठीक है, तो लगभग 25 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन, सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं क्यों ना शेयर कर दूँ, तब आपका भी इससे रिविजन हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2x करके या 1.5x करके आप देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर कर लोगे और बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, बट हाँ इट मैटर समटाइम्स इंटरव्यू में भी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, सो दैट्स वाई आई थॉट कि ये इस पर वीडियो बना दूँ। सो बेसिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन जावा। तो एज यू नो कि इन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग सिस्टम आउट प्रिंटलन का यूज करते हैं, एंड जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, जावा इज अ शॉर्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट। बिल्कुल भी नहीं, जावा स्क्रिप्ट का ये शॉर्ट नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो सॉरी, नो 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 नो, एक्चुअली ओके, एक्चुअली लेट मी, आई डिड अ मिस्टेक, आई हैव टू री स्टार्ट इट अगेन। ओके, आई एम री स्टार्टिंग अगेन। सो ये हमारा शॉर्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट ये नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स की है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू इंसर्ट कमेंट्स इन जावा कोड। तो जावा में हम लोग कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो क्वेरी है, विच डेटा टाइप इज यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट शुड स्टोर अ टेक्स्ट। तो बेसिकली यू नो कि जावा केस सेंसिटिव होता है, तो हम लोग अगर सिर्फ स्मॉल स्ट्रिंग वाला यूज़ करेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। सो स्ट्रिंग कभी भी हम लोग अगर कोई नॉर्मल टेक्स्ट स्टोर करना होता है किसी वेरिएबल में तो उस कैपिटल स्ट्रिंग के साथ स्टोर करते हैं। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज कि आप एक नॉर्मल नेम नाम के वेरिएबल लेते हो तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रिंग लेना पड़ेगा आपको। नेम इक्वल टू, आप नेम ले लो, मान के चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, शैलेंद्र, देखो तो अभी ये ले लिया। अगर मैं इस चीज़ को स्मॉलेस्ट करूँगा तो ये एरर देगा। ठीक है, अभी मैं देखो रेड कलर हो गया। ठीक है, अगर मैं एस आउट करता हूँ इसको और यहाँ पे नेम को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ये एरर देगा। ओके, सी क्लास स्ट्रिंग एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल। और अगर इसी चीज़ को मैं कैपिटल कर देता हूँ तो अभी मेरे को ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो शैलेंद्र आएगा। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शैलेंद्र आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल एस स्ट्रिंग एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल इन विद द न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू 5। तो सिंपल सा नॉर्मल है न्यूमेरिक वैल्यू, हम लोग इंट एक्स का यूज़ करेंगे। इंट एक्स इक्वल टू कोई भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंट एक्स, इंट इज इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इंट एक्स इक्वल टू 5 यहाँ पे होगा। इस तरीके से अगर मैं आईडी पे दिखाऊँ तो लेट सपोज अगर मैं करता हूँ इंट एक्स इक्वल टू 5 और अभी इसको इसको भी एस आउट कर लेते हैं, एस आउट करेंगे और एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 5। सो एज यू कैन सी 1 मिनट इट्स रनिंग, आउटपुट हमारा 5 आ गया। तो इस तरीके से आप देख कर सकते इंट एक्स इक्वल टू 5 ये सही है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं इन जावा में तो फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एंड जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, लेट्स पुट इन आर केस 2.8, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग कैप एफ स्मॉल एफ लगाते हैं, देन इट इट विल वर्क। ठीक है, तो फ्लोट एफ, मैं इसका भी एग्जाम्पल एक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हो फ्लोट, ठीक है, फ्लोट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट वाई ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोट एफ ही ले लेते हैं, एफ इक्वल टू 2.8 समथिंग ऐसा ही कुछ था। अगर इसको नॉर्मल सेमी कोलन लगाते हैं यहाँ पे तो देखो अभी एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं एफ लगा देता हूँ ना तो अभी सही करेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी एस आउट करेंगे तो हमारा नॉर्मल एफ होकर यहाँ पे, और रन करते हैं प्रोग्राम को तो यहाँ पे देखना हमारा आउटपुट जो आएगा 2.8 आएगा। आउटपुट एफ के साथ नहीं आएगा, आउटपुट हमारा 2.8 ही आएगा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, तो हम लोग फ्लोट एक्स इक्वल टू 2.8 यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है हमारा, विच कैन विच मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बेसिकली हम लोग लेंथ का यूज़ करते हैं, डॉट लेंथ का। इसका मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मेरा शैलेंद्र नाम का एक स्ट्रिंग लिया था, तो इसका लेंथ अगर मुझे फाइंड करना है तो यहीं पर मैं इसका क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ इसी के अंदर मैं नेम डॉट लेंथ। ठीक है, नेम डॉट लेंथ प्रिंट करूँगा
तो देखो यहाँ पे इसका लेंथ, हमारा जो नेम का लेंथ है आई थिंक 9 करेक्टर का, तो वो प्रिंट करके मुझे दे दिया 10 करेक्टर। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 10 करेक्टर हमारा प्रिंट करके दे दिया। तो लेंथ हम लोग लेंथ मेथड का यूज़ करते हैं, लेंथ कीवर्ड का, ये दिस वन, तो ये करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट जो क्वेरी है हमारा, विच ऑपरेटर यूज टू एड टुगेदर टू वैल्यूज। तो बेसिकली दो वैल्यू को ऐड करने के लिए हम लोग इवन इन जावा स्क्रिप्ट एंड जावा बोथ लोग प्लस यानी कॉन्कैटिनेशन सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी प्लस का, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज कि आप एक नेम है हमारा, नेम के बाद यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नेम, यहाँ पे एफ नेम मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको एफ नेम कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एल नेम, एल नेम यानी लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ कुमार, ठीक है। अब दोनों को मुझे कॉन्केटनेट करना है, ऐड टुगेदर मतलब दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एस आउट करूँगा, ठीक है। मैं इसको एस आउट करता हूँ नीचे सबसे पहले, ठीक है, एस आउट, ठीक है, एस आउट। और यहाँ पे एफ नेम, एफ नेम प्लस और एल नेम, ठीक है, एल नेम। और अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखो हमारा दोनों का शैलेंद्र प्लस कुमार दोनों एग्जीक्यूट। सी गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस चीज़ को एक और नॉर्मल स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लस एक स्पेस लगा दो, ठीक है। स्पेस लगाने के लिए हम लोग नॉर्मल सिंपल सा एक स्ट्रिंग स्पेस स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पेस, और फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, और सॉरी F10, ठीक है। और भी एग्जीक्यूट हो रहा है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस आ गया, और इस तरीके से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेरी है, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी सराउंडेड बाई सिंगल कोटेशन। तो नहीं, सिंगल कोटेशन में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज कि अगर स्ट्रिंग में आप देखोगे तो हम लोग डबल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग को रखते हैं। अगर इसको मैं सिंगल कोटेशन करूंगा तो यहाँ पे एरर देगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एरर आएगा, क्योंकि कैरेक्टर को हम लोग सिर्फ वन कैरेक्टर को अगर मुझे करना होगा तो हम लोग सिंगल कोटेशन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह अगर कैर लगा दूंगा ना, ठीक है, तो फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल कोटेशन, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड कैन बी यूज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इन द अपर केस लेटर। तो यहाँ पे टू अपर केस यूज होता है, तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, टू अपर केस ये वाला यूज़ कर लेते हैं, जो कि एज यू नो कि जावा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, कैमल केस को फॉलो करता है। तो ये कैपिटल यू एंड सी कैपिटल होना चाहिए इस मेथड का नाम, यानी ये हमारा करेक्ट मेथड है। अगर मैं इस चीज़ को दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, इसी को शैलेंद्र को सिर्फ नेम को मैं कैपिटल करता हूँ, तो यहाँ पे टू अपर केस यूज़ करूँगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को सजेस्ट कर दिया यहाँ पे ये मेथड यूज हो रहा है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो लेट सपोज लेट मी एग्जीक्यूट इट, या शैलेंद्र देखो कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा, टू अपर केस, जो कि कैमल केस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। सो ऑपरेटर में अगर पढ़े होगे तो कंपेयर करने के लिए हम लोग इक्वल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो कि इंट एक्स इक्वल टू 5 हमने असाइन किया था, ठीक है। टू डिक्लेयर एन एरे इन जावा डिफाइन अ वेरिएबल टाइप विद, यहाँ पे एरे डिक्लेयर करने के लिए यू नो गाइस कि हम लोग यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेरी है, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद एंड इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जावा के अंदर में, एज यू नो, अगर नॉर्मल एरे आप बनाए हो तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट अ मेथड इन जावा। तो जावा में मेथड क्रिएट करने के लिए मेथड का नाम, और उसके बाद हम लोग स्मॉल पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल पे मैं मेथड का नाम दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू कॉल अ मेथड इन जावा। तो मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग मेथड का नाम और सिंपल पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोलन लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन के बाहर मैं क्या क्या मैं मेन फंक्शन के बाहर मैं क्या कर लेता हूँ, ये फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक रिटर्न टाइप कुछ नहीं लगाएंगे, लेट्स पुट रिटर्न टाइप
वर्ड रखते हैं, वर्ड और मेथड, मेथड का नाम, मेथड का सॉरी यहाँ पे मेथड, मेथड नेम ऐसे नॉर्मल मेथड नेम दे दिए, ठीक है कैमल केस, और यहाँ पे एस आउट कर लो, ठीक है सिंपल सा एस आउट कर लो, एस आउट, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर दो, माई मेथड, माई मेथड कर दो। अभी ये डिक्लेयर हो गया, अभी इसको कॉल करना होगा, तो हमें कॉल करने के लिए इस मेथड का नाम को हमें मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन में हम लोग लिखेंगे मेथड, ठीक है मेथड नेम, और ये ऑटोमेटिक ले लिया। सो गाइस देख सकते हैं अभी इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये भी माई मेथड आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हैं, अगर एक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट और F10 प्रेस करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा मेन माई मेथड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी आ रहा है, ठीक है। तो कॉल करने के लिए हम लोग मेथड का नाम पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास। तो क्लास क्रिएट करने के लिए नॉर्मल हम लोग अगर सारा कुछ क्लास बेस्ड होता है तो यहाँ पे भी देखोगे तो हमने क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ किया है, हेलो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द करेंट वे, करेक्ट वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। सो बेसिकली अगर लेट्स सपोज मेरे मेरे सिनारियो में अगर देखोगे, ठीक है मेरे सिनारियो में देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है हेलो, ठीक है। तो अभी हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ना, तो हम हेलो हेलो उस पर्टिकुलर क्लास का नाम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन इन आर केस क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा माई क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट का आप नाम देना चाहते हो, इन केस माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑपरेटर। हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो न्यू, तो यानी ये वाला हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्लास का नाम देते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं एंड सेमी कोलन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन जावा इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड द मेथड फ्रॉम द वन क्लास टू अनदर, यस इट इज़ पॉसिबल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 19 क्विज, या विच मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द हाइस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो बेसिकली हाइस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर एक कोई दो वैल्यू है, ठीक है, तो उसका हाइएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं मेथड पे कॉल किया हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ लेट सपोज, या मेथड के अंदर में भी वो चीज़ें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एस आउट कर लेता हूँ, सिंपल एस आउट मैक्स, सॉरी मैथ डॉट मैक्स, और दो वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करते हैं आर्गुमेंट में, तो 3 एंड 4 में जो मैक्स है वो हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट 8 8 आना चाहिए, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारा 8 आउटपुट आएगा। सो लेट मी फिनिश इट, ओके। सो एज यू कैन सी गाइस कि हमारा आउटपुट 8 आ रहा है, ठीक है, जो कि हमने नॉर्मली माई मेथड से पहले इसको एस आउट को रखा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स यूज़ करते हैं, मैथ डॉट मैक्स, उसके बाद जो भी आपका वैल्यू आपको कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, लार्जेस्ट यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैक्स डॉट नम ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसको अभी ओ सॉरी सॉरी आई गेस एक मैंने मिस्टेक कर दिया, उसको मैंने टिक नहीं किया, तो ओके आई थिंक 20, चलो उसको देख लेंगे बाद में। विच ऑपरेटर यू यूज टू मल्टीप्लाई द नंबर। सो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रिक्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए इन जावा। नेक्स्ट जो क्वेरी है हमारा विच ऑपरेटर विच कीवर्ड यू टू इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट करने के लिए कोई भी अगर जावा API लाइब्रेरी से कुछ भी इम्पोर्ट करना है तो हम लोग वहाँ पे इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, पैकेट पैकेज का नहीं यूज़ करते हैं। बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये दोनों तो निगलेक्ट कर दो, बट पैकेज को मिस्टेक से मत देना, इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मैथ फंक्शन का यूज़ किया हूँ तो यहाँ पे 1 मिनट गाइस, ओके जस्ट लीव इट,
आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, क्योंकि मैथ फंक्शन को इम्पोर्ट करना पड़ता है एपीआई लाइब्रेरी से, अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई एपीआई यूज़ कर रहे हो तो इम्पोर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, आई मीन इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई स्टार्ट विद, हाउ डू आई स्टार्ट राइटिंग एन इफ़ स्टेटमेंट इन जावा। तो इफ़ स्टेटमेंट लिखने के लिए नॉर्मली यार बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इफ़ उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज कुछ और एग्जीक्यूट कर जाता है। तो नॉर्मली इफ़, अब इसमें आप जो भी कंपेरिजन करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर में एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई अगर कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिंटेक्स ये होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाई वाइल हाउ डू यू स्टार्ट विथ राइटिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप पर सेम है, इफ़ कंडीशन इफ इफ़ के जैसा ही वाइल, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में जो भी कंडीशन हमें पुट करना होता है वो कंडीशन पुट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला होगा, बाकी के सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ वैल्यू इन साइड मेथड। सो बेसिकली सॉरी, यूज टू रिटर्न अ वैल्यू। तो यू नो मेथड के अंदर में यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो मैं इसी मेथड का नाम को कॉपी करता हूँ, एक मिनट, और अभी हम लोग इसको रिटर्न टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग दे दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिटर्न स्ट्रिंग में कुछ भी नाम दे दो अपना, ठीक है। मैं चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, एक, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आपको एक नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन हमारा कहीं यूज़ नहीं हो रहा, और यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, रिटर्न नेम के जगह यहाँ पे रिटर्न ने चैनल नेम कर देता हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न चैनल नेम, ठीक है। अभी इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ मेथड का नाम, इसको मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या फाइन, अभी हमारा हो गया सही। अभी एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, और ये साइबर एक्सप्लॉइट है, जो कि 1 मिनट गाइस, ओके 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 ओके, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एस आउट करना पड़ेगा, तब आउटपुट दिखेगा, ठीक है, एस आउट, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करो, ये हटा दो, एक साइबर एक्सप्लॉइट दिखा रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप में है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, बट इसको प्रिंट करने के लिए वॉइड था, इसलिए यहाँ से मैसेज प्रिंट कर दिए थे हमने, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं कोई भी मेथड को, कोई भी वैल्यू अगर आपको रिटर्न करना है तो, ठीक है। लेट सपोज अगर इंटीजर वैल्यू कोई रिटर्न करना होता है, वहाँ पे रिटर्न हम लोग इंटीजर वैल्यू करते हैं, एंड इसका जो रिटर्न टाइप होता है इंट, इंट होगा, ठीक है, जो अभी स्ट्रिंग दिए हूँ वो इंट होगा रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप अ लूप। तो बेसिकली यार ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं कोई भी लूप को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी 24 हमारा सही होना चाहिए, या 24 सही हुआ बिकॉज कि एक हमने लीव कर दिया था बाई मिस्टेक, ठीक है। तो 25 और 25 अगर आप भी स्कोर किए होगे, आई नो बेसिक्स क्वेश्चन था, बहुत बेसिक्स, बट या यू कैन गो थ्रू। अगर बेसिक्स एकदम बहुत बेसिक्स आपको रिवीजन करना है, तो आपको फिर से अगर आप कहीं से कोर्स वगैरह किए हो, ट्यूटोरियल वगैरह देखो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्विजेज वगैरह करो, अटेम्प्ट करो, इससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, एंड यार ऐसे ही सीखने के लिए, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए, ठीक है, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जावा से रिलेटेड जो कि मैं अभी लिनक्स मशीन पे बताने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंटेंट मिलने वाले हैं, और विप्रो से रिलेटेड भी मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप पूछ सकते हो। ओके गाइज, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।